आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। शहडोल पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाते एक सटोरिए को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2,94,000 रुपए, केस और एक कलर टीवी, 4 मोबाइल, सेटअप बॉक्स जब्त कर कार्यवाही की है। नगदी और जब्त मशरूका मिलाकर लगभग 6 लाख से अधिक का आईपीएल मैच में सट्टा कारोबार को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं इस आईपीएल सट्टे का मुख्य सरगना क्रांति फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आईपीएल मैच शुरू होते ही जिले में आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। सूचना के आधार पर शहडोल कोतवाली पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए जिले के घरोला मोहल्ला निवासी राकेश उर्फ लालवा को अपने घर पर चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चल रहे आईपीएल मैच में सट्टा हार जीत का दाम लगाते रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े गए ललुआ के पास से पुलिस ने 2,94,000 रुपए, केस और एक कलर टीवी, 4 मोबाइल, सेटअप बॉक्स जब्त कर कार्रवाई की है। नगदी और जब्त मशरूका मिलाकर लगभग 3,50,000 से अधिक का आईपीएल मैच में सट्टा कारोबार को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं इस आईपीएल सट्टे का मुख्य सरगना क्रांति फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सट्टे पे कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने भी बहुत अच्छी कार्रवाई की है, प्रशंसनीय है। 2,94,000 रुपये बरामद किए हैं, एक LED TV बरामद की है, लैपटॉप बरामद किए हैं और मोबाइल बरामद किए हैं। ललुआ गुप्ता को उसको गिरफ्तार किया गया है, एक आरोपी इसमें फरार है। पुलिस की टीम की नेतृत्व जो है सोनाली गुप्ता कर रही थी, इनके साथ में TI कोतवाली और इनकी टीम ने काम को किया है। 2,94,000 रुपये नकद बरामद हुए और IPL का बहुत सारा हिसाब भी बरामद हुआ है। सारे मामले में पंजीकरण करके इसमें विवेचना की जा रही है और भविष्य में भी इस प्रकार की और अच्छी कार्रवाई करेंगे।